दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग दोस्तों, कैसे चल रही है डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हम डीएड एससीआईडी एग्जाम की प्रिपरेशन करा ही रहे हैं फर्स्ट ईयर एग्जाम की दोस्तों, तो आज का जो क्लास रहेगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहेगा, यानी कि एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एक नंबर के या दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपको 1 से लेकर 20 तक प्रश्न, ठीक है, पूरे 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, पूरा क्या है व्याख्यात्मक रूप से, यानी कि हर प्रश्न को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि दोनों पार्टों को मिलाकर 25 नंबर के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज का क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है बौद्धिक अक्षमता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बौद्धिक अक्षमता क्या है आप सभी जानते हैं, बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी असामान्यता है जिसमें क्या है एक व्यक्ति के क्या है सामाजिक और संप्रेक्षण कौशल सीमित हो जाते हैं, ठीक है ना, सामाजिक और संप्रेक्षित कौशल दोनों सीमित हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अनुकूलित व्यवहार सीमित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बौद्धिक अक्षमता को कितने भागों में बांटा गया है, अगर आपका क्वेश्चन आएगा बौद्धिक अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपके बौद्धिक अक्षमता के प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वो है, एक तो है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि, और दूसरा है शैक्षणिक वर्गीकरण, शैक्षणिक वर्गीकरण, और तीसरा है आपका चिकित्सीय वर्गीकरण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, शैक्षणिक वर्गीकरण और चिकित्सीय वर्गीकरण। अब इसमें हर वर्गीकरण के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि बौद्धिक अक्षमता को 3 भागों में विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया, तो बौद्धिक मनोवैज्ञानिक के आधार पर है माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड, सबने पढ़ रखा होगा ना, और क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर बौद्धिक अक्षमता के कितने प्रकार है, तब आपको केवल मनोवैज्ञानिक के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड, ठीक है, तो आपको वो बताने होंगे। ठीक है, दूसरा है शैक्षणिक वर्गीकरण, शैक्षणिक वर्गीकरण में आ जाता है हमारा प्रशिक्षण बौद्धिक अक्षमता ना, एजुकेबल ट्रेनेबल और कस्टोडियल, ठीक है, शैक्षणिक बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, और प्रशिक्षित मानसिक मंदता और मतलब स्वयं देख रेख, जिसमें क्या है कस्टोडियल आ जाता है। ठीक है, चिकित्सीय वर्गीकरण के अंदर है हमारा जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस हो गया, क्रिटिनिज्म हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, ये सारे लक्षण किसमें आ जाते हैं हमारे, ये प्रकार आ जाते हैं चिकित्सीय वर्गीकरण में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका डाउन सिंड्रोम किस अक्षमता से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम किस अक्षमता से संबंधित है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम किस अक्षमता का चिकित्सीय वर्गीकरण के आधार पर प्रकार है, या किस अक्षमता का चिकित्सीय वर्गीकरण का प्रकार है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम बौद्धिक अक्षमता के चिकित्सीय वर्गीकरण का प्रकार है, तो ये किससे संबंधित हुआ, बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है, जिसमें क्या है चिकित्सीय वर्गीकरण, इसमें इसका प्रकार बताया गया है डाउन सिंड्रोम, हाइड्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेलस, क्रिटिनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बी एफ स्किनर ने किसके साथ प्रयोग किया, कल्ली हमने थ्योरी ऑफ लर्निंग किया था ना, लर्निंग थ्योरी जो की थी उसमें हमने सीखने के सिद्धांत में ये देखा था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत था उनका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था, तो उन्होंने किस पर किया था प्रयोग, चूहे पर और कबूतर पे किया था, इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकता है, आप लोग क्या है लेक्चर क्लास भी देखिए उसको, ठीक है ना, लेक्चर क्लास जितनी भी मिनट की होती है भले ही 10 मिनट 12 मिनट, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिलते हैं, इसलिए एक एक
पॉइंट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हर लेक्चर क्लास का। तो जितने भी लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड किया जाते हैं आप उनको अच्छे से देखिए और पूरा देखिए उनको। कह रहे हैं बीएफ स्किनर किसके साथ प्रयोग किया था दोस्तों, चूहे पर और कबूतर पर, ठीक है, चूहे और कबूतर पर। और ये इसका भी लिख देती हूँ, डाउन सिंड्रोम किस अक्षमता से संबंधित है, तो बौद्धिक अक्षमता से, बौद्धिक अक्षमता से। और किस वर्गीकरण का प्रकार है ये, तो ये भी लिख दीजिए, लिख दे रहे यहाँ पर अगर आ जाए डाउन सिंड्रोम किस अक्षमता के वर्गीकरण का प्रकार है, तो बौद्धिक अक्षमता के चिकित्सीय वर्गीकरण का, चिकित्सीय वर्गीकरण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मस्तानोन्मुखी का अर्थ क्या है। मस्तानोन्मुखी दोस्तों ये विकास के जो हमने सिद्धांत पढ़े थे उसमें मस्तानोन्मुखी एक दिशा का सिद्धांत है जिसमें दिशा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, निकट दूर नियम, मस्तानोन्मुखी नियम, ठीक है। तो मस्तानोन्मुखी नियम का अर्थ है दोस्तों सिर से पैर की ओर, मस्तिष्क से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसका अर्थ है सिर से पैर की ओर विकास होना, सिर से पैर की ओर। यह इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं, मानव का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। और निकट दूर का नियम वो था जिसमें क्या है, जो रीढ़ की हड्डी के पास के जितने भी अंग होंगे उनका पहले विकास होता है और बाद में अन्य होगा, जैसे कंधे हो गए हमारे, ठीक है। तो दोस्तों मस्तानोन्मुखी मुख्य अर्थ यही है, जो विकास की दिशा का जो सिद्धांत था उसके दो भाग हैं, एक तो मस्तानोन्मुखी और दूसरा है निकट दूर नियम, ठीक है ना। तो ये उनके भागों को, और इसका अर्थ था सिर से पैर की ओर, यानी कि मानव विकास की जो प्रक्रिया है सिर से पैर की ओर चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों डिसग्राफिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है। डिसग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसका एक टाइप है, यानी कि हमारा अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है डिसग्राफिया, जो लेखन विकार से संबंधित है। डिसग्राफिया किससे, लेखन विकार से, लेखन विकार, ठीक है, लेखन विकार है जिसमें बच्चे को लिखने में समस्या होती है। और अधिगम अक्षमता के कई प्रकार हैं, डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसमॉर्फिया, डिस्थेनिया, ठीक है, एप्रेक्सिया, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है, अफेजिया। तो दोस्तों लेखन विकार से संबंधित जो विकार है डिसग्राफिया हो गया, ठीक है, और पढ़ने विकार से संबंधित विकार है डिसलेक्सिया हो गया, गणना संबंधी विकार है डिसकैल्कुलिया हो गया, ठीक है, भाषा संबंधी विकार है अफेजिया हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, बहुत सारे इसके प्रकार है, क्लास डिटेल में अगर आप करना चाहते हैं इसके बारे में तो मैंने पेपर फर्स्ट में आपको प्लेलिस्ट में ये सेव कर रखा है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वरना यूट्यूब पर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी इन हिंदी करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों देखिए मानव विकास को कितने भागों में बांटा गया है, या मानव का विकास कितने भागों में विकसित हुआ है, और वह किस प्रकार से कह रहे हैं कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों मानव विकास जो है, सबसे पहले जो मानव का विकास होता है या जिस पर सभी विकास निर्भर होते हैं वो है शारीरिक विकास। तो पहला हो गया आपका शारीरिक, दूसरा हो गया संज्ञानात्मक, तीसरा हो गया आपका संवेगात्मक, चौथा हो गया आपका सामाजिक, ठीक है। और सभी विकास एक दूसरे पर निर्भर है, सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास पर निर्भर है, संवेगात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है, और संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, अगर संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा हो गया तो सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। तो मानव विकास को चार क्षेत्रों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं मानव विकास के चार क्षेत्र हैं,
शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अंक गणितीय शब्दों में समस्या होने की अक्षमता क्या कहलाती है। अंक गणितीय, अभी मैंने आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार है डिसकैल्कुलिया, ठीक है, जो क्या है गणना संबंधी समस्याओं का एक विकार है जिसे डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। ठीक है, जिन बच्चों में गणना संबंधी विकार होता है, हम कह सकते हैं गणित से संबंधी या अंक गणित से संबंधी, उन उस स्थिति को या उस कंडीशन को, उस अक्षमता को हम कहते हैं डिसकैल्कुलिया, जो कि अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो गणितीय संबंधी समस्या होने की अक्षमता क्या कहलाती है दोस्तों, डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, यानी कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है दोस्तों, तो अल्फ्रेड बिने ने किया है, अल्फ्रेड बिने। नोट करते जाइए आप सारे क्वेश्चनों को, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीखने के चरण कौन से हैं। सीखने के चरण, पेपर 3 से ये क्वेश्चन आ गया। सीखने के चरण दोस्तों मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था लेक्चर क्लास में, तो कौन कौन से है। पहला चरण है हमारा अर्जन करना, एक्विजिशन, ठीक है, दूसरा था निपुणता या लयबद्धता, फ्लुएंसी, निपुणता जिसे फ्लुएंसी कह सकते हैं, लयबद्धता कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा था हमारा मेंटेनेंस, सतत बनाए रखना, सतत बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद था जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, उसके बाद था हमारा अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो ये क्या थे हमारे सीखने के चरण हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, अर्जन करना यानी कि एक्विजिशन, निपुणता फ्लुएंसी, सतत बनाए रखना मेंटेनेंस, और सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, और अडेप्टेशन और अनुकूलन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 चरण है, इनको ध्यान रखना, और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आता ही आता है, पेपर 3 में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों। सीखने के सिद्धांत, पहला है सरल से जटिल की ओर, जब बच्चे को हम सिखाते हैं और बच्चा सीखता है तो पहले वह सरल क्रिया सीखता है, उसके बाद कठिन या जटिल सीखता है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त हो गया, और चौथा हो गया आपका संपूर्ण से अंश, होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश। तो ये क्या है, सीखने के सिद्धांत है, जड़ सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त, और संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सहायता के प्रकार। सहायता क्या है दोस्तों, जिसमें हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज की थी, शैक्षणिक नीतियों का एक प्रकार है जो है सहायता यानी कि प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, एक नीति है प्रॉम्प्टिंग। तो सहायता के प्रकार हैं कौन कौन से हैं, सहायता के प्रकार किस किस प्रकार से हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता देते हैं प्रशिक्षण के दौरान। तो देखिए, एक है हमारा जिसे कहते हैं हम पीपी, फिजिकल प्रॉम्प्ट, और ये इसलिए मैं पीपी लिख रही हूँ क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म या लॉ बहुत आती है। ठीक है ना, आपको क्या फुल फॉर्म इसकी बतानी होगी, आपको उसमें लिखा होगा पीपी को एक्सप्लेन कीजिए, पीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो फिजिकल प्रॉम्प्ट यानी कि शारीरिक सहायता, शारीरिक सहायता। ठीक है, दूसरा है आपका बीपी यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, पीपी फिजिकल प्रॉम्प्ट शारीरिक सहायता, बीपी वर्बल प्रॉम्प्ट यानी कि मौखिक सहायता, मौखिक सहायता। ठीक है,
और तीसरी है जीपी, जेस्ट्रल प्रॉम्प्ट। जीपी का मतलब है जेस्ट्रल प्रॉम्प्ट। तो ये हो गई आपकी सांकेतिक सहायता, सांकेतिक सहायता। ये तीन प्रकार की सहायता है, सहायता के तीन प्रकार है, डीपी, पीपी और जीपी, फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट और जेस्ट्रल प्रॉम्प्ट। तो मौखिक सहायता, शारीरिक सहायता और सांकेतिक सहायता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मॉडलिंग भी आता है इसमें, प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रिकॉर्ड के प्रकार यानी कि अभिलेख के कितने प्रकार हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें स्कूल अभिलेख के जो प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका शैक्षणिक अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या रिकॉर्ड, और दूसरा होता है प्रशासनिक, प्रशासनिक। एक है शैक्षणिक रिकॉर्ड, दूसरा प्रशासनिक रिकॉर्ड यानी कि एजुकेशनल रिकॉर्ड, और दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ठीक है, शैक्षणिक अभिलेख और प्रशासनिक अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मरिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ। ये हमने टीचिंग अप्रोचेस है उसमें इन्होंने बता रखा है, मरिया मॉन्टेसरी का जिक्र हुआ है, तो उसमें उन्होंने पूछा है मरिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ। तो इनका हुआ था 1870 में, 1870 में हुआ था, और कहाँ, इटली की रहने वाली थी, कहाँ की थी, इटली की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, योजना पद्धति के जनक कौन है। तो दोस्तों योजना पद्धति के जनक है जॉन डेने, जॉन डेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यीकरण के प्रकार। अभी हमने जब ये किया था सीखने के चरण किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरलाइजेशन के प्रकार पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने वहां पर अंडरलाइन भी किया था उस शब्द को जब मैं जनरलाइजेशन पढ़ा रही थी आपको सीखने के चरण में, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, इसीलिए कहते हैं लक्ष्य क्लास भी बहुत अच्छे से अटेंड किया करो। तो दोस्तों सामान्यीकरण के दो प्रकार है, एक तो प्रतिक्रिया सामान्यीकरण और उद्दीपन सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण और दूसरा है उद्दीपन, उद्दीपक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्वलन की अनुसूची के प्रकार। रेनफोर्समेंट जो है उसके पुनर्वलन जो है, पुनर्वलन की अनुसूची कौन कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो अनुसूची है दो है, एक तो सतत पुनर्वलन, दूसरा है आंशिक पुनर्वलन। सतत पुनर्वलन और दूसरा है आंशिक पुनर्वलन, और सबसे सतत पुनर्वलन से अच्छा आंशिक पुनर्वलन होता है। सतत पुनर्वलन का मतलब है लगातार देने वाला है, लगातार चलने वाली पुनर्वलन, ठीक है। और आंशिक पुनर्वलन कम समय में थोड़ा सा, ज्यादा समय में थोड़ा सा आंशिक रूप से देने वाला पुनर्वलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विकास किस अवस्था में शुरू होता है। जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया था दोस्तों उसमें बताया था कि विकास क्या कैसे, तो दोस्तों विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है। वैसे अगर हम बात करें तो विकास हमारा गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विकास प्रसव पूर्व प्रारंभ हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। अब प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व की हमने तीन स्टेज पढ़ी थी ना उस टाइम, तो वही तीन स्टेज है जिसमें बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि दोस्तों तीन प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, ठीक है, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, तीसरी है दोस्तों सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। देखिए दोस्तों मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि में वे व्यक्ति आते हैं या उन व्यक्तियों में पाई जाती है जैसे इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, कारपेंटर्स हो गए,
इंजीनियर्स, कारपेंटर्स, तो ये सारी किसमें मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि उन व्यक्तियों में, ऐसे लोगों में पाई जाती है जैसे राइटर्स हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, उन लोगों में पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि जैसे डॉक्टर्स हो गए, सोशल वर्कर हो गए, या हम कह सकते हैं हमारे राजनेता हो गए, ठीक है, ये उन लोगों में पाई जाती है सामाजिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। क्वेश्चन ये बहुत आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। अगर आज शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों एडवर्ड थांडाई। एडवर्ड थांडाई, ठीक है, ठीक, एडवर्ड और थांडाई शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। और मनोविज्ञान के जनक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हमेशा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मनोविज्ञान की जगह शिक्षा मनोविज्ञान अगर पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। तो मनोविज्ञान के जो जनक है कौन है, विलियम जेम्स। देखिए दोस्तों आज पूरे 20 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है, पूरे 20 प्रश्नों पर व्याख्यात्मक रूप से यानी कि ब्रिज एक्सप्लेनेशन हमने आज एक क्वेश्चन कर लिए है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ये सभी पेपरों से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है किसी एक पेपर से रिलेटेड है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, फोर्थ, फाइव, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका पेपर फर्स्ट से है, ये भी बीएफ स्किनर पेपर टू से है ये, ठीक है, मस्तानी ये भी पेपर टू से, डिस्ग्राफिया पेपर टू से, मानव विकास पेपर फाइव से, अंक गणितीय पेपर फर्स्ट से, किसने बुद्धि परीक्षा पेपर सेकंड और पेपर फाइव से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। पेपर थर्ड से सीखने के चरण कौन से हैं, ठीक है, थीके? और ये रिकॉर्ड के प्रकार सीखने के, ये इसके पेपर थर्ड से आपका, ठीक है, किचन स्टडीज वाले से। उसके बाद ये सारे मतलब कि पेपर फाइव से लेकर आपके पेपर फर्स्ट तक, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज, और अगर हम बात करें ट्रेनिंग अडेप्टेशन, उस सारे टॉपिक से, एजुकेशन साइकोलॉजी, सभी पेपरों से रिलेटेड आपने क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर हम आते रहेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आप आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, औरों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।